हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरु। आई होप आपने लास्ट क्लास मींस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करी थी, वो देख ली होगी वीडियोस एंड यू हैव आल्सो कंप्लीट द असाइनमेंट आई हैव गिवन यू। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड काफी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको डेफिनेशन वाइज याद हो तो मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्शन इज अ क्वालिटी ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर। यही डेफिनेशन थी एज पर द बुक, यही डेफिनेशन ही है एक्चुअली में। इसका मतलब क्या होता है कि हम कभी भी यूजर को इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, एक बाइक है, आप उसमें जो ध्यान देंगे, मैकेनिक जो ध्यान देगा वो इंजन की कैपेसिटी के बारे में ध्यान देगा, लेकिन हम जो ध्यान देंगे उसका कलर देखेंगे, उसका माइलेज चेक करेंगे। तो हर यूजर अपने अपने अकॉर्डिंग यूजफुल डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा। अब एब्स्ट्रैक्शन फीचर से एक फीचर आता है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, हाउ इज इट पॉसिबल टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कैसे पॉसिबल है? बाय प्रोवाइडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। कैसे पॉसिबल है? फंक्शन से ये टर्म पॉसिबल हो पाता है। रीजन, मान लीजिए हमें चार काम है, दैट इज सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब आपको भी मालूम है कि हर क्वेश्चन में सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होता है। किसी में सम होता है, किसी में सब्ट्रैक्शन होता है, किसी में सम और सब्ट्रैक्शन दोनों होते हैं। मतलब ऐसी कोई श्योरिटी नहीं कि चारों ही काम होते हो, बट स्टिल हमारे पास चारों अवेलेबल है। अब सपोज करिए हमें किसी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का यूज है, हम इन दोनों को यूज कर लेंगे, ये क्या हुआ, ये हिडन हो गया। यूज हमने किसको किया, सम और सब्ट्रैक्शन, बट ये दोनों भी हमारे पास हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का यूज हुआ तो हम यहां से यूज कर लेंगे। सो दिस इज नोन एज द फंक्शन। ठीक, फंक्शन क्या है? फंक्शन अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज बात करूं तो फंक्शन क्या है, एनी वर्क। ये क्या काम करता है, सम करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ये मल्टीप्लीकेशन करेगा, ये डिवीजन करेगा। कैसे करेगा? बाय सम कोडिंग, कुछ इसमें कोडिंग लिखी होगी उससे करेगा वो, उस डिटेल में मत जाइए अभी फिलहाल, लेकिन करेगा। ये सम करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन का यूज हुआ तो हम इनको यूज कर लेंगे और इनको हाइड कर देंगे। अब सेक्शन फीचर है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल या अनयूजफुल डेटा को हाइड कर देना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है फंक्शनिंग का। फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन को कॉल मतलब हम जब सम को अपने पास बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे बात की बात है, लेकिन अगर हम सम को अपने प्रोग्राम में कहीं से बुलाएंगे देन वो उसमें अप्लाई कर पाएगा। फंक्शन कहीं पर होगा और हमारा प्रोग्राम यहां पर है, हम किसी फंक्शन को कहीं और से अपने प्रोग्राम में बुला रहे हैं, कोई ना कोई पाथ चाहिए होगा, सोर्स चाहिए होगा, किस तरह हम उसको बुलाएं वो तरीका थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन वी नीड अ प्रोसेस हाउ टू कॉल अ फंक्शन। इतनी आसान में कॉल क्यों करेंगे जिसका, क्योंकि हमको यूज करना है, बिकॉज वी नीड द सम फंक्शन, वी नीड द सब्ट्रैक्ट फंक्शन, वी नीड द मल्टीप्लीकेशन, वी नीड द डिवीजन फंक्शन। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात और भी बताई थी, ये जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन हमेशा क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, फंक्शन हमेशा क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और क्वेश्चन था व्हाई क्लास इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी जो फंक्शन है हम एनकैप्सुलेट करते हैं क्लास के अंदर, इसी को हमने एनकैप्सुलेशन समझा था। वी आर गोइंग टू एनकैप्सुलेटिंग एनीथिंग विद इन द ब्रेसेस और विद इन द क्लास। तो किसी भी चीज को क्लास के अंदर करना एनकैप्सुलेशन होता है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये किसी ना किसी क्लास के अंदर होंगे।
ठीक है, उस क्लास से हम अपने अपने प्रोग्राम के क्लास में बुलाना चाहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब उसका प्रोसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि यह हमारा फंक्शन है, यह हमारा क्लास है, और क्लास के ऊपर याद है क्या था? पैकेज है, ठीक। वी हैव अ पैकेज, उसके अंदर क्लास, उसके अंदर फंक्शन। हमें यूज फंक्शन का ही है, बट स्टिल वी नीड अ परमिशन ऑफ क्लास वाया द परमिशन ऑफ पैकेज। पैकेज से क्लास की परमिशन मिलेगी, क्लास से पैकेज फंक्शन की परमिशन मिलेगी। इतनी बात ठीक है। अब आते हैं हम मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में, ठीक है। प्रोग्राम जब करेंगे तब ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, बट स्टिल वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड पैकेज टू डिस्कस दिस टॉपिक, और कुछ नहीं। इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोग्राम कराऊं तो आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या हो रहा है, बट बिफोर दैट यू नीड टू नो कि हमें किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए, हमें सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन को यूज करने के लिए उसकी क्लास की रिक्वायरमेंट है। वो जिस भी क्लास में हो उसकी क्लास की रिक्वायरमेंट है, और उस क्लास को अपने पैकेज की रिक्वायरमेंट है। हम फंक्शन बिना क्लास के यूज नहीं कर सकते, और क्लास बिना फंक्शन के यूज नहीं, बिना पैकेज के यूज नहीं कर सकते। इतना प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा। लेट मी रब दिस। अब फंक्शन का यूज समझ में आ गया। फंक्शन को कॉल करना है किसी तरह, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि हमें वर्क कराना है। अब मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा नाम से लग रहा है कि मैथ्स के कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करेगा हमको, ठीक है। मैथ्स के कुछ फंक्शंस हमें प्रोवाइड करेगा हमारा काम इजी करने के लिए। सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल वी नीड समथिंग, हमें कुछ चाहिए है, ठीक है। तो एक लिस्ट है हमारे पास, लेकिन इस लिस्ट से पहले हमको यह समझना है कि यह एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। math.py dot is used, it is a operator, it is used to call a function, function का नाम क्या है? py, ठीक है। we need a math, क्या है हमारे पास? math is a class name and py is a function name। इस क्लास के अंदर py था, इसलिए हमने math.py लगाया। फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हमें किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए मैथ क्लास की रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करने के लिए मैथ क्लास की रिक्वायरमेंट है, और उसको कॉल करने का तरीका केवल ये है, मैथ डॉट पाई। अगर हमें किसी फॉर्मूले में पाई की जरूरत पड़े, सपोज करिए द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2πr, पाई की जरूरत पड़ेगी, वी यूज द मैथ डॉट पाई। पाई आर स्क्वायर, वी यूज मैथ डॉट पाई। 4/3πr³, वी नीड मैथ डॉट पाई। तो हर जगह हमको मैथ डॉट पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हुआ मैथ डॉट लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन है, मैथ्स का होगा, मैथ्स का ये पता है आपको, शायद जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा। तो लॉग क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन, मैथ के अंदर लॉग, यहां जो भी वैल्यू, सपोज करिए यहां पर मैंने कहा 10, ये क्या रिटर्न करेगा? 1। शायद आपको पता होगा कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 9th क्लास में किसी चैप्टर में है ये लॉग में। सो मैथ डॉट लॉग 10 हमें क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। सिमिलरली मैथ डॉट एबीएस, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ये अपने नाम ही बता रहे हैं, ये नाम लिखे हुए, ये फंक्शन है और ये उनका क्लास है, उस क्लास के अंदर ये फंक्शन बना हुआ, इसलिए हमने मैथ डॉट लॉग से इसको कॉल किया है। मैथ डॉट एबीएस, एबीएस क्या करता है? किसी भी निगेटिव, जैसे मान ली, सपोज करिए आपने यहां पास किया -33.5, ये रिटर्न में क्या देगा हमको? 3.5, क्योंकि एबीएस क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉडुलस वापस करता है। तो कभी अगर मान लीजिए आपको ये मिल जाए, ये मॉडुलस का, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता था, तो हम यहां पर इसको मैथ डॉट एबीएस करेंगे, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये काम आएगा, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स, नाम से ही लग रहा है कि ए और बी में मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। मैथ डॉट मिन, ए और बी में मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, नाम से ही मालूम है। मैथ डॉट राउंड, राउंड क्या करता है? ये राउंड ऑफ करता है। अगर मान ली यहां 2.4 है तो इसको राउंड ऑफ ये 2 करेगा, लेकिन अगर मान ली 2.5 है तो ये 3 करेगा। आपको मालूम होगा डेसिमल के बाद अगर 5 से छोटा नंबर होता है तो ये एक डिजिट पीछे चला जाता है, और अगर
फोर से बड़ा, मतलब फाइव, ये फाइव से बड़ा नंबर होता है, ये एक डिजिट आगे। ये 2.6 अगर राउंड ऑफ करेगा तो भी थ्री करेगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ का काम ये होता है, मैट डॉट राउंड का। मैट डॉट सील, सील का मतलब आप ऐसे याद करते हो, सीलिंग फैन, सील का वहां होती है छत, तो छत का मतलब ऊपर वाली वैल्यू। यहां जो भी वैल्यू, सपोज करिए यहां पे वैल्यू दी हुई है 2.2 की सील वैल्यू, मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या है 3.0, ठीक है। इट विल रिटर्न 3.0, 2.3 होता तो भी 3.0, 2.4 होता तो भी 3.0। सील मतलब ऊपर वाली, फ्लोर मतलब नीचे वाली। अगर यही नंबर मैं यहां ले लू 2.2, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है 2.0, ठीक है। सील और फ्लोर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये आपका ये भी था, एब्सोल्यूट, सील और फ्लोर। मैटर एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी क्या करता है, एसक्यूआरटी हमें स्क्वायर रूट वापस करता है। किसका वापस करेगा, जो नंबर यहां पे लिखा होगा, ठीक है। मैट डॉट एसक्यूआरटी 25, इट विल रिटर्न 5.0, ठीक है। डेसिमल में देता है, डेसिमल में नहीं देता है, ये आप बाद में सीख जाओगे, बट स्टिल यू नो, यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट। एसक्यूआरटी मीन स्क्वायर रूट। एक और फॉर्म, एक और होता है इसी से रिलेटेड, मैट डॉट सीबीआरटी। तो सीबीआरटी क्यूब रूट वापिस करता है, ठीक है। 8 का क्यूब रूट 2 होता है। मैट डॉट पाव, मैट डॉट एसक्यूआरटी, मैट डॉट पाव, एंड द थर्ड वन इज द मैट डॉट एबीएस। इनको फिलहाल के लिए याद रखिएगा, बाकी याद तो आपको सारे ही करने हैं। मैट डॉट पाव, मैट डॉट पाव क्या करता है, सपोज करिए हमने यहां लिखा है मैट डॉट पाव 2.3, ये रिटर्न करेगा हमको 2 की पावर 3, मतलब 8, ए टू दी पावर बी। मैट डॉट पाव ए टू दी पावर बी, मैट डॉट एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट वापिस करता है, मैट डॉट सीबीआरटी मैट डॉट क्यूब रूट वापिस करता है, मैट डॉट एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू वापिस करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यू नीड टू नो, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, एंड सिमिलरली मैथमेटिकल फंक्शन का भी एक क्वेश्चन फिक्स है। जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन, एक बार देख लीजिए, अगर कुछ पूछ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, बाकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे यू विल नो बेटर कि ये फंक्शन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं केवल एक ही चीज बताना चाह रहा था, किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए उसकी क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, और क्लास के अंदर फंक्शन है, इसलिए हमने मैथ और मैथ्स। एक बात और जो रह गई, मैथ क्लास जो होती, मैंने कहा था किसी फंक्शन को यूज करने के लिए उनके क्लास की, और क्लास को यूज करने के लिए उनके पैकेज की। तो मैथ का जो पैकेज है दैट इज मैथ डॉट सॉरी जावा डॉट लैंग पैकेज होता है। तो अगर कभी कोई पूछ ले कि किस पैकेज के अंदर मैथ क्लास आती है या किस पैकेज के अंदर एबीएस फंक्शन आता है, तो हमेशा जावा डॉट लैंग बात करेंगे, ठीक है। यू नीड टू नो कि जावा डॉट लैंग जो पैकेज है बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, और इसी के अंदर मैथ क्लास आती है, इसी और इस मैथ क्लास के अंदर ये डिफरेंट फंक्शन आते हैं। जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन, ओके। सम क्वेश्चंस जिनका हमको मैथमेटिकल सिंटेक्स लिखना है या मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। इसको जावा एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर जावा सिंटेक्स आ जाए, जावा एक्सप्रेशन आ जाए, तो ध्यान रखिएगा ये जो मैं करने जा रहा हूं वही मतलब है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कुछ इस बारे में। सपोज करिए कहीं पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक। ए क्यूब लिखा है, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। कहीं ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये शायद पता भी होगा, ठीक है। लेकिन बस मैथ्स में और इसमें इतना ही फर्क है कि नॉर्मल में हम ए बी से काम चला लेते हैं मैथ्स में, लेकिन यहां पर हमको ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्होंने कहा मैथमेटिकल फंक्शन या जावा एक्सप्रेशन लिखना है, क्या किया जाए, ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी। जावा एक्सप्रेशन लिखने का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। देखिए पार केवल 2 थी तो काम चल गया, पार 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती थी, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई अपॉन टू। तो अगर अभी मैंने क्या बताया था, ये देखिए पार लगी हुई है वाई का क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं मैट जेड इज इक्वल टू बी। देखिए मैट डॉट पाओ क्या है, एक्स कॉमा थ्री, ए कॉमा बी क्या था, ए की पावर बी, यही होगा प्लस मैथ डॉट पाओ वाई कॉमा थ्री सही माइनस एक्स और वाई में मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई और टू क्या है नीचे, नीचे का मतलब डिवाइड में, तो स्लैश टू, ये हमारा एक्सप्रेशन ठीक है एक्स कॉमा थ्री वाई कॉमा थ्री। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन जो बच्चों के थ्रू आता है वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। सर यहां पर क्या x कॉमा थ्री लिखना जरूरी था, क्या हम इसको x इन मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x नहीं लिख सकते थे? तो उसका आंसर यस और नो दोनों ही है ठीक है। आप इसको x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x भी लिख सकते हैं, बट तो हमने फंक्शंस का यूज कब किया, हमें फंक्शन प्रोवाइड इसलिए करे गए थे कि जहां आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको वहां पर यूज कर लो, तो इसीलिए हम यहां यूज करना चाह रहे हैं ठीक है। a प्लस बी टू द पावर n रूट थ्री प्लस बी सी पॉइंट, a प्लस बी टू द पावर n अपॉन रूट थ्री प्लस बी। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, कभी भी अगर जावा एक्सप्रेशन बनाना हो तुरंत डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट जरूर बना देना। इसका रीजन मैं बता दे रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन अभी कंप्लीट करूंगा बता दूंगा इसका रीजन, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ये दोनों ही एक्सप्रेशन ब्रैकेट में होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसको ब्रैकेट में रखिएगा ठीक है। कभी भी जब भी दोनों एक्सप्रेशन ब्रैकेट में, नीचे वाला है नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सप्रेशन है ऊपर नीचे दोनों पुट देम इन ब्रैकेट ठीक है। देखिए a प्लस बी टू द पावर n रूट थ्री प्लस बी, a प्लस बी की पावर n है, इसको ये लिख सकते हैं मैट डॉट पाओ a प्लस बी कॉमा n, ये लिखा जा सकता है। क्या किया हमने, a प्लस बी लिखा और उसकी पावर n लगा दी, बाकी सब क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड कर दिया रूट थ्री प्लस बी, रूट थ्री प्लस बी क्या होगा मैट डॉट एस क्यू आर टी थ्री प्लस बी ठीक है। थ्री स्क्वायर रूट में था इसलिए मैट डॉट एस क्यू आर टी थ्री लिखा और बी अकेला था इसलिए वैसे लिख दिया। अब अगर मानिए आप यहां ब्रैकेट ना लगाते सपोज करिए, तो यहां भी ना लगाते, तो वहां नहीं लगाया यहां भी नहीं लगाते। अब बताइए आपको दिखने से क्या लग रहा है, ये मैं बताऊं कैसा लग रहा है, मैट डॉट पाओ ए प्लस बी कॉमा एन डिवाइड बाय मैट डॉट एस क्यू आर टी थ्री और बी जो है वो अलग हो गया। अगर आप बॉडमास रूल जानते होंगे तो आपको ये पता होगा पहले डिवीजन होगा बाद में एडिशन होगा, लेकिन हमको क्या करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को इसे डिवाइड करना है, इसीलिए कंफ्यूजन ना होने के लिए मैंने यहीं पर हमेशा डिवाइड ब्रैकेट लगाने का सजेशन देता हूं ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, 0.05 एंड माइनस टू वाई थ्री एक्स माइनस वाई, ये है हमारे पास 0.05 माइनस टू वाई थ्री अपॉन एक्स माइनस वाई, पुट देम इन ब्रैकेट, ये तो अकेला ही नंबर है ऐसा कोई मतलब भी नहीं है, तो 0.05 ब्रैकेट माइनस टू मल्टीप्लाई, टू अकेला है टू मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई हुआ वाई क्यूब, तो मैट डॉट पाओ वाई कॉमा थ्री, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिए यहां पर और डिवाइड किससे करना है एक्स माइनस वाई से ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है नेक्स्ट पार्ट, एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई टू, लेट मी रब दिस, एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई टू मैट डॉट पाओ एक्स कॉमा थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस टू
मैट टू एस्ट्रिक मैट डॉट पाओ एक वाई कॉमा टू लिख सकते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है? वाई की जगह वाई कॉमा टू लिख दिया, ये इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो यहां मल्टीप्लाई लगा दिया, थ्री मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई हो गया, मैट डॉट पाओ एक्स कॉमा थ्री हो गया। ठीक है, इसको देखिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू एस्ट्रिक टी, ठीक, यू एस्ट्रिक टी प्लस हाफ जी एस्ट्रिक, चाहे तो टी मल्टीप्लाई बाय टी लिख लीजिए, या फिर अभी तक कोई हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज नहीं करा है, मैट डॉट पाओ टी कॉमा टू यूज कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच देखिए, जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपको मैट डॉट पाओ मैट डॉट एस क्यू आर डी और मैट डॉट एबीएस का कमांड बनानी है। ठीक है, तो एबीएस क्या था? पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मॉडुलस, ये देखिए मॉडुलस आ चुका है, क्या करें हम, मैट डॉट एबीएस, एबीएस हो गया तो इसका बनाइए, यू की पावर सिक्स पी की पावर फोर, मतलब मैट डॉट पाओ यू कॉमा सिक्स प्लस मैट डॉट पाओ पी कॉमा फोर। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया एबीएस में। नीचे क्या है, 280 प्लस के डिवाइड 2 एस्ट्रिक ए ब्रैकेट 2 एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक टी प्लस के। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, 70 स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एस ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट लगाया हमने, और नीचे क्या है, मॉडुलस डिवाइड मैट डॉट एबीएस, क्या है एबीएस, पी एस्ट्रिक पी प्लस आर। ठीक है, और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको लगे कि यहां तो किसी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आता है तो बस एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा है ताकि आप मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करें, करने को तो हम यहां भी यूज कर सकते थे, क्या था, ए की पावर सिक्स ए मल्टीप्लाई बाय 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 ए कर तो हम सकते थे, बट स्टिल हमने मैथ डॉट पाओ ए कॉमा सिक्स किया। रीजन, क्योंकि हमको मालूम है मैथमेटिकल फंक्शंस को ही यूज करने के लिए वो जावा एक्सप्रेशन हमको दे रहा है, और जावा में फंक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, एक फंक्शन है जो इसको स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, आप यकीन मानेंगे कि आपने शायद एपीआई सुना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो लाइब्रेरी इतनी स्ट्रांग है जावा की, किसी भी क्लास की लाइब्रेरी, किसी भी पैकेज की लाइब्रेरी या क्लास की लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है, तो फंक्शंस का यूज बहुत है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फंक्शंस को हमको समझना भी है और उनका यूज भी करते रहना है, जब आप प्रोग्राम बनाओगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैथमेटिकल फंक्शंस का एक्चुअली हम यूज क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझना है कि जावा एक्सप्रेशन जब तक सीखोगे नहीं तो आप प्रोग्राम में लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक बार जितने भी क्वेश्चन कराए उनको वापस प्रैक्टिस करिएगा, और अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो एक दो बार और देखिएगा, स्टिल यू इफ यू स्टिल फेस द प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट ऑन माय थ्रेड। ठीक है, और अगर कोई असाइनमेंट रिक्वायरमेंट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको असाइनमेंट चाहिए, देन आई विल डिस्कस, आई विल सेंड टू यू। ठीक है, और मैं अगर हो पाया तो अगली क्लास में इसको डिस्कस, असाइनमेंट को डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, बट आई नीड योर कमेंट्स बिफोर बिलो दिस वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, और इन द लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।